थाना बिलारी अंतर्गत ग्राम ढकिया नरू में रहने वाले हरि सिंह पुत्र चंद्रपाल ने एसएसपी के यहाँ एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र के कुछ दबंग लोग उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने व मारपीट करने की धमकी देते हैं। शिकायती पत्र में हरि सिंह द्वारा बताया गया कि गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा लाठी डंडों के साथ उन्हें घेर उनके साथ मारपीट की गई। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागे तो हमलावरों ने उनका पीछा किया और घर में घुसकर मारपीट करने लगे और घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर वे अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि क्या नाम है आपका? हरि सिंह नाम है सर। हरि सिंह पूरा परिवार साथ आया है, क्यों आया है आज यहां पर? सर हमें जान से मारने की धमकी दी है। एक यशपाल पुत्र विशाल तो जेल में है इस वक्त, और गुरमानसी पुत्र शेखर जो है वो फरार है। अब ये पुलिस वाले नोटिस लाते हैं, एक एक महीने का लगा देते हैं, अब वो फरार है और हम पे साथ दबाव बनाते हैं कि सहन कर दो। एक दिन क्या हुआ, 26 तारीख की रात को 2 बजे आके और हमारे बेटे के ताई और हमें धमका रहे, बोले सहन कर दो इस कागज पे। मैंने कि सर हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं है, हम सहन क्यों करेंगे? रात के 2 बजे क्या मतलब है हमारे घर पे आने? इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। हाँ सुनो, तो फिर उसने के बाद में बोले कि इस पे सहन कर रहे कि नहीं, ये हाई कोर्ट से आदेश है। मैंने कि साहब मैं हूँ अनपढ़ आदमी, जब मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं तो मैं किसी कागज से सहन नहीं कर सकता। बोले कि ये 10 बजे तक हाई कोर्ट के साथ जाना है। साहब जब हमने इसकी जांच कराई, नेट पर से निकलवाया, तो 7 तारीख में इनकी बेल खारिज भई है यहाँ से, और 4 फेरी से ये सहन कराने गई। फिर साहब मेरी घरवाली को बदतमीज बोलने निकले ये लोग। फिर मेरे बेटे ने जब वीडियो बनाई तो मेरे बेटे का मोबाइल छीन लिया, उसकी टचपच तोड़ने की कोशिश करी थी। मैंने कि सर आप बना रहे हो हमारी वीडियो तो हम बना रहे हैं, तो क्या बात है आपकी? इस बार क्या घटना हुई है? अभी इस बार ये हुई है, हम 7:30 बजे की घटना है। मैं अपने घेर में जा रहा था भाई के दौरे घूमने के लिए, मतलब तो ही मुझे पहले तो खम्मा के नीचे मारा था खूब। किन लोगों ने मारा? उन्हीं के परिवार लोगों ने। नाम बताओ। प्रताप का, प्रताप यशपाल और क्या कहें, राजबाला जी पूरा परिवार था, और राम बाबू और पेटी और नकुल ये फिरवेश वगैरह ये सब पूरा खानदान है साथ दबंग लोगों का। इन्हों पर मुकदमा थाने में शिकायत की थी आपने? जी सर हमने थाने में फ़ोन करा था इंस्पेक्टर के साथ, हमने ये बात कही थी। मैंने इंस्पेक्टर साहब, क्या कार्रवाई हुई थाने पे? थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, हमने फ़ोन करा था, वो उन्होंने ये बात कह दी थी, बोले कि 112 नंबर पर फ़ोन कर दो। आज किससे मिलने आए हो? हम साहब एसएसपी साहब के, कप्तान साहब के दौरे आए हैं। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? सर हम उन्होंने बहुत उम्मीद लेकर आए थे, अब साहब उस समय वो है नहीं। अब साहब ये हमारी तहरीर है कि आप कोई लेने के लिए। तुम क्या चाहते हो इसमें मुकदमे में? मुकदमे में हम साहब कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले साहब, हमारी जान माल की रक्षा करें। हम लोग भी सड़नों में आए हैं अब। ठीक है।